नमस्ते, मैं अनुप्रिया। पिछला जो सिल्क का वीडियो बनाया था उसे देखने के बाद और इससे पहले भी इतने सालों में जैसे ही लोगों को पता चलता है कि मैं सिल्क नहीं पहनती हूँ तो वो मुझे तुरंत सलाह देने लगते हैं कि मैं अहिंसा सिल्क अपनाऊं। उन सारे लोगों से मेरा भी एक सवाल है, क्या आपने सिल्क छोड़ने की सोची, इस बारे में जरा से भी पहल की? और रही बात अहिंसा सिल्क की, तो अहिंसा सिल्क में अहिंसा सा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बेचने का तरीका है। क्यों? अल्टीमेटली आखिरकार इन सिल्क वर्म्स को ब्रीड किया जाता है कैप्टिव में, उन्हें पाला जाता है सिर्फ इसलिए कि उनका कोकुन यूज किया जाए अहिंसा सिल्क बनाने के लिए। क्यों चाहिए हमें ये सिल्क? और अगर इन जंतुओं को कैप्टिव में रखना अहिंसा है तो फिर स्लेवरी भी किसी प्रकार की अहिंसा ही हुई। ऐसा क्यों है कि अगर किसी मनुष्य को गुलाम रखा जाता है तो वो गुनाह हो जाता है, लेकिन अगर एक छोटे से जंतु को, एक छोटे से कीड़े को उसे स्लेव बना के, उसे कैप्टिव करके सिर्फ आपके लिए वो कोकून तैयार करे ताकि आपको सिल्क मिल पाए, वो अहिंसा कैसे हो सकती है? वो भी तो गुनाह ही हुआ। ऐसा क्या है सिल्क की साड़ियों में कि हम कॉटन की और लिनन और दूसरे फैब्रिक की साड़ियों से खुश नहीं रह सकते? मेरी मानिए तो आप भी सिल्क और अहिंसा सिल्क दोनों ही छोड़ दीजिए। अहिंसा सिल्क या पीस सिल्क जैसे इंग्लिश में कहते हैं, आप उसे छोड़ेंगे तो सच में अहिंसा सिल्क मिले ना मिले, पीस सिल्क मिले ना मिले, आपके मन में पीस जरूर रहेगा, शांति रहेगी और एक संतुष्टि रहेगी कि आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक छोटे से जंतु को मारा नहीं गया, आपके प्लेजर के लिए किसी एक और जंतु का जो कि साइज में छोटा था उसे नुकसान नहीं पहुंचाया गया। एक बात और, ये जो सिल्कवॉर्म्स होते हैं तो इतने सालों से इन्हें कैप्टिव में रख के ब्रीड किया जाता है, क्या आप जानते हैं कि ये उड़ना भी भूल गए हैं? अब ये उड़ नहीं सकते, तो अहिंसा सिल्क भी अहिंसा से नहीं है। अहिंसा सिल्क में भी बहुत सा हिंसा है, कैप्टिविटी है, दर्द है, वो कीड़े आपसे कह नहीं पाते, काश वो कह पाते और आप सुन पाते। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि सिल्क और अहिंसा सिल्क के बारे में आपकी जो राय है बदलेगी और आप पहल करेंगे कि इस फैब्रिक को बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए। डिमांड कम होगा, सप्लाई कम होगा और आप जानते ही उसके बाद क्या, उसके बाद सिल्क वर्म्स को कैप्टिव में रखा नहीं जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। मैं अनुप्रिया, धन्यवाद।